पंजाब के नए खिलाड़ियों ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी मैच की भी भरपूर तैयारी। लेडीज होटल में सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शाह महमूद कुरैशी बोले, पंजाब में पीटीआई और इत्तेहादियों को वाज़े अक्सरियत मिल चुकी। परवेज इलाही तजुर्बाकार सियासतदान हैं, असेंबली बेहतर अंदाज में चलाएंगे। पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, पीपल्स पार्टी का राह फरार इख्तियार। पीपल्स पार्टी का कल के इंतखाबी अमल से दूर रहने का फैसला। इंतखाब में पीटीआई और नून लीग को वोट नहीं देंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए नून लीग की हिकमत अमली तैयार। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हमजा शहबाज कहते हैं, पूरी कोशिश होगी तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त दें। माहौल को बेहतर बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। स्पीकर का इंतखाब हो जाए तो वजीर आला का ऐलान भी हो जाएगा। पीटीआई के नामजद स्पीकर चौधरी परवेज इलाही, कहा ऐवान में काली नीली और पीली पट्टियां चलती रहती हैं, जिस रंग की मर्जी बांध लें। वजीर आला पंजाब के नाम का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। तालीम और सेहत तरीके इंसाफ की अव्वलीन तरजीह है। तीसरी बार जमहूरी तरीके से इक्तदार की मुंतकली हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू, चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात। स्पीकर के इंतखाब की हिकमत अमली पर मुशावरत। अब्दुल अलीम खान बोले, नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। रफीक रजवाना हो गए रवाना। मुस्ताफी गवर्नर पंजाब स्टाफ से अलविदाई मुलाकात के बाद घर चले गए। बोले, नून लीग की कयादत ने मुझ पर जो एतमाद किया उस पर पूरा उतरने की कोशिश की। आजाद रुकन जुगनू मोहसिन ने भी हल्फ उठाया। अवाम की ख्वाहिश पर हुकूमत बनाने वालों का साथ दूंगी, जुगनू मोहसिन की गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी भी आहलिया के हमरा पंजाब असेंबली आए। आप पर इल्जामात लग रहे हैं, सहाफी का नजम सेठी से सवाल। वक्त कहता है इंतजार फरमाइए, नजम सेठी का जवाब। जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए, नई पंजाब असेंबली में पहली करारदाद जमा। करारदाद तरीके इंसाफ के मोहसिन लगारी की जानिब से जमा कराई गई। डॉल्फिन और पीरू फोर्स सब नाकाम, शहरी लुटने लगे। समनाबाद में गन पॉइंट पर डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार। हरबंसपुरा के इलाके में गाड़ी चोरी की वारदात। लाहौर न्यूज ने वारदातों की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। डिफेंस बी के इलाके से घर से चीनी बाशिंदे की लाश बरामद। घर में तीन गैर मुल्की खवातीन भी रिहायश पसीर थी। हलाकत की वजह सामने नहीं आई, पोस्टमार्टम से हकायक सामने आएंगे। एएसपी डिफेंस बी अकरम। एरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की तहकीकात जारी। ख्वाजा बरादरान नैब में पेश ना हुए। असेंबली इजलास के बाद साद रफीक पेश नहीं हो सकते। वकील हारिस सोहल नैब में पेश। साद रफीक को दोबारा तलब किए जाने का इम्कान। आमदन से जायद असासा जात का केस, लीगी रहनुमा सैफुल मलूक होकर नैब में पेश। पंजाब पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों के केस में डीआईजी बाबर बख्त कुरैशी भी नैब में पेश। बाबर बख्त कुरैशी को बतौर साबिक डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट बुलाया गया। आमदन से जायद असासा जात का केस, चौधरी बरादरान को नैब ने फिर तलब कर लिया। चौधरी शुजात और परवेज इलाही को कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत। ईस्ट गार्ड कंपनी केस की तहकीकात का भी दायरा वसी। नैब ने अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी को 7 अगस्त को तलब कर लिया। खेल के मैदान में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी। नई हुकूमत आते ही पुराने हुकूमती नुमाइंदों की स्पोर्ट्स बोर्ड से तस्वीर उतार ली गई। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के बाहे शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज
और जहांगीर खानजादा की तस्वीर हटा दी गई। टीम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगी, कप्तान कौमी टीम सरफराज अहमद पुराज़ुम। इमरान खान के वजीर आजम बनने पर क्रिकेट में बेहतरी आएगी, क्लब क्रिकेट का शुरू होना खुशाइन है, सरफराज अहमद की गुफ्तगू। दरख्त लगाओ, माहौल को सरसब्ज बनाओ, कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब के रहनुमाओं ने आर्च बिशप हाउस में अम का पौधा लगाया। वकला बरादरी का सेशन कोर्ट में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज। मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई, शाहपुर कांजरा की मंडी में बबलू और सावल के चर्चे। लाड प्यार से पाले जानवरों के मालकान के भी नखरे, मन मांगी कीमत वसूल करने की जिद, खरीदारों से बहसों तकरार। दिल तो है परिंदा, आसमां को मांगे, है उमंग जिंदा, कैद तोड़ भागे, काबू है निगाहों में, दूर दूर राहों में, जाके हमको रहना है जिंदगी की बाहों में, भुलेया भुलेया दिल सारा भुलेया, मन मौज तुम्हारा भुलेया बे भुलेया। ऑल हॉलीवुड का ईद पर पाक फजाइया को खराजे तहसीन, फिल्म परवाज है जुनून, सिनेमा घरों में धूम मचाने को तैयार। फिल्म की कास्ट तशहीरी मुहिम के लिए लाहौर पहुंच गई।